झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है। इस बार केवल 7 दिनों का बजट सत्र होगा, क्योंकि जो पहले बजट सत्र संभावित था उस वक्त सरकार संकट में थी और तत्काल में ही सरकार को बदलना पड़ा। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन ने शपथ ग्रहण की। ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच जो है वो 23 तारीख आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई और यही कारण है कि यह बजट सत्र केवल 4 मार्च तक चलेगा और 7 दिनों का बजट सत्र काफी छोटा माना जा रहा है। ऐसे में विपक्ष ने जैसे सीजल परीक्षा में पेपर लीक के मामले को यहाँ पर उठाया है और विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। पक्ष और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। ऐसे में इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्ष को एक सलाह दी है और सलाह है इस पूरे बजट सत्र में जनता की आवाज उठाने का, ना कि विवाद खड़ा करने का। आप भी सुनिए कि बन्ना गुप्ता ने विपक्ष को क्या सलाह दी है। मांग करना तो हर आदमी की अभिव्यक्ति आजादी है, इस पे हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारी जो है SIT वगैरह बनाया वो जांच कर रही है और उसके बावजूद भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कई बार के सदन में विपक्षी जो भूमिका थी वो भूमिका बिल्कुल गैर जिम्मेदार थी और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का उन्होंने समय का बेजा इस्तेमाल किया, नाटक नौटंकी और मस्करी करके महत्वपूर्ण सदनों का समय बर्बाद करने का काम किया। हम अभी भी प्रार्थना करते हैं कि इस सत्र में वो जिस दायित्व का निर्वाह करने के लिए जनता ने उनको चुना है उस दायित्व का वो गंभीरता पूर्वक निर्वाह करें और सदन पक्ष विपक्ष दोनों सदन के जिम्मेवार लोग होते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो मजबूत से मजबूत सवाल लाएं और हमारी सरकार मजबूत से मजबूत जवाब देकर राज्य के हितों का जो है राज्य के हितों को अच्छी तरीके से पालन करेगी। एक सवाल ये है कि CGL मजिस्ट्रेटर हामले हुई है परीक्षा? नहीं, निश्चित तौर पर वो हुई है, उसमें जो भी कसूरवार है वो बक्से नहीं जाएंगे, उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आरोप इसमें भी लग रहा है कि 4 सालों में आप भी एक परीक्षा नहीं करा पा रहे, जो भी परीक्षा। अरे परीक्षा तो हमने कई करा लिया, लेकिन हमने पिछली सरकार की तरह अनुबंध पे लोगों को रखने का काम नहीं किया, हम लोगों ने नियुक्ति देने का काम किया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।